नमस्कार दोस्तों, शास्त्री इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मेहुल शास्त्री आज आपको सिखाने जा रहा हूं वोकेबुलरी को कैसे एक्सपांड करें। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से बोलना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स, ज्यादा से ज्यादा वर्ब्स और थिंग्स जो भी नाम है वो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर करने होते हैं। तो कई बार लोग आपको बोलते हैं कि आपकी वोकेबुलरी अच्छी करो, वोकेबुलरी बढ़ाओ, पर वोकेबुलरी को कैसे बढ़ाएं, नए नए वर्ड्स प्रिपेयर करो, तो आप नए वर्ड्स कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखिए दोस्तों, वोकेबुलरी बढ़ाने के स्टेप्स हैं, चार स्टेप्स हैं जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये पूरी वीडियो आप अपने आप कैसे वोकेबुलरी एक्सपांड कर सकते हैं उसके लिए है। पहले हम देखते हैं कि अगर आपको आज से ही वोकेबुलरी इंप्रूव करनी है, एक्सपांड करनी है, तो आप वोकेबुलरी को कैसे एक्सपांड कर पाओगे। देखिए दोस्तों, हाउ टू एक्सपांड योर वोकेबुलरी, तो उसके चार स्टेप हैं। पहला स्टेप है न्यू वर्ड्स, दूसरा स्टेप है फ्रेजल वर्ब्स, तीसरा स्टेप है सिनोनिम्स एंटोनिम्स, और चौथा स्टेप है इडियम्स। अभी ये तो सबने आपको बताया ही होगा कि नए शब्द प्रिपेयर करने हैं, पर कौन से नए शब्द, ये कैसे पता चलेगा कि यही वर्ड प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जिस बारे में बात करना है, जो आपका फेवरेट टॉपिक है या फिर जो आपका प्रोफेशन है, उसके हिसाब से उसके लेक्सिकल सेट्स बनाने होते हैं। तो न्यू वर्ड्स कैसे प्रिपेयर करें, पहले उसके लेक्सिकल सेट्स बनाओ। लेक्सिकल सेट्स यानी कोई एक ही शब्द जिसके आसपास घूमने वाले सारे वर्ब्स, थिंग्स, पीपल आप उनमें जोड़ सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्कूल के अंदर आप जो जो क्रियाएं करते हैं वो सभी क्रियाएं आप यहां पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिखना, पढ़ना, टीचर ने आपको पनिश कर दिया तो पनिश भी यहां पे आएगा। आपने कुछ प्रिपेयर किया है, टीचर ने आपको बोला ये आपको 5 टाइम्स लिखना है तो रिपीट। आप स्कूल में क्या काम कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, राइट, रीड, या आप अपनी प्रेयर गा रहे हो तो उसको हम बोलेंगे रिसाइट करना। धीरे धीरे आपकी वोकेबुलरी एक्सपांड होती जाएगी। आपको क्या करना है, वहां पे कौन कौन से, अगर स्कूल है तो वहां पे कौन कौन से लोग आपको दिखेंगे, तो टीचर, असिस्टेंट टीचर, मॉनिटर, स्टूडेंट्स, स्टाफ मेंबर्स, पियून, प्रिंसिपल, ट्रस्टी। उसके बाद है थिंग्स, क्लासरूम में आपको थिंग्स कौन सी दिखेगी, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, वॉल क्लॉक, विंडो। तो ये हो गया वर्ब्स, पीपल, थिंग्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, जो भी लेक्सिकल सेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुकिंग के बारे में वोकेबुलरी बढ़ानी है तो आपको सबसे पहले वर्ब्स प्रिपेयर करना है, फ्राई, डीप फ्राई, रोस्ट, बेक। तो जो भी वर्ब्स आप ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर करेंगे, जो आपका प्रोफेशन है या फिर जिस बारे में आपको बात करना पसंद है, उस चीज के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ब्स, उसके बाद वहां पे जिस जिस लोग को आप देख सकते हो वो, वहां पे जो चीजें आपको दिखती हैं वो, और उसके बारे में बोलने के लिए जो आपको एडजेक्टिव्स चाहिए या फिर एडवर्ब्स चाहिए वो, ऐसे सेट अगर आप तैयार कर देंगे तो आप कम से कम वो एक फील्ड के बारे में तो अच्छे से बोल ही पाओगे, क्योंकि वहां पे आपकी वोकेबुलरी ऑलरेडी एक्सपांडेड हो चुकी है जब आपने ये प्रिपेयर कर लिया है। ज्यादा से ज्यादा मैं बोल रहा हूं 10-15 लिख के रुक नहीं जाना है। जो आपका प्रोफेशन है उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स की जानकारी लेनी है, तो कम से कम आप अपने प्रोफेशन में अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे। नए वर्ड्स न्यूज़पेपर पढ़ने से आप नहीं सीख पाओगे। न्यूज़पेपर पढ़ने से आप कौन से वर्ड सीखोगे, न्यूज़पेपर पढ़ने से आप वो ही वर्ड सीखेंगे जो जर्नलिस्ट के हैं। अगर आपको जर्नलिज्म करना है देन इट इज ओके, अगर आपको न्यूज में इंटरेस्ट है देन इट इज ओके। हाँ, वोकेबुलरी एक्सपांड डेफिनेटली होगी, पर वो आपको इतनी जल्दी फायदा नहीं देगी। और आप जानते हो ये बहुत ही फास्ट जनरेशन है, यहाँ पे अगर आप कुछ प्रिपेयर करते हो और उसका फायदा आपको तुरंत नहीं मिलता, यानी जो 2-4 साल के बाद काम लगने वाला है वो अब से प्रिपेयर करके क्या करेंगे। यानी आपको जो भी करना है, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा गेमिंग का शौक है तो गेमिंग में जो वर्ड्स आते हैं उन वर्ड्स को अच्छे से सीख लो, उनको रेगुलर लाइफ में अप्लाई करो। जरूरी नहीं है कि जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूं वही आप बोले, आप अपनी वोकेबुलरी अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपकी वोकेबुलरी में वही चीजें होनी चाहिए जो आपके लिए ठीक बैठे, जो आपके लिए सही हो। तो अपने हिसाब से न्यू वर्ड सीखे तो लेक्सिकल सेट्स, लेक्सिकल सेट्स मेरे हिसाब से जनरल, अगर आपको लेक्सिकल सेट्स प्रिपेयर करने हैं तो क्या रहेगा,
स्पोर्ट्स, किचन, एजुकेशन, करियर, ज्यादातर ये चार जो टॉपिक हैं, इसके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा लेक्सिकल सेट्स प्रिपेयर करने चाहिए। इसमें अगर आप जोड़ दें तो हॉबीज में आप लिख सकते हो फिल्म्स, म्यूजिक। देखिए कई लोग बोलते हैं कि आई लाइक म्यूजिक, फिर म्यूजिक के बारे में उनको कुछ पता नहीं होता, यानी सिंगिंग क्या है, प्लेबैक सिंगिंग क्या है, रैप सॉन्ग्स क्या है, या फिर फ्यूजन म्यूजिक क्या है, या फिर क्लासिकल म्यूजिक क्या है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स प्रिपेयर होने चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, तो कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, उसके अंदर कौन से वर्ड्स आने वाले हैं। अगर आप बोल रहे हो कि आई लाइक क्रिकेट, तो फिर क्रिकेट के सभी प्रकार के वर्ड्स प्रिपेयर होने चाहिए, सिर्फ बैट्समैन, बॉलर और फील्डर नहीं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि नाइट वॉचमैन किसे बोलते हैं, आपको पेविलियन या फिर थर्ड एंड, मिड एंड, स्ट्रेट, ड्राई। तो जो भी इसकी वोकैबुलरी है वो आपको एक्सपांड करनी है, ठीक है। चलिए, अभी पहले हमने देखा कि न्यू वर्ड्स को कैसे प्रिपेयर करें, जिसमें आपको लेक्सिकल सेट्स बनाना है। लेक्सिकल सेट्स के लिए ये चार टॉपिक पे लेक्सिकल सेट्स बना सकते हैं, जिनके ऊपर मेरी वीडियो आने वाली है, आप उसमें आप कंपेयर कर लोगे। तब तक आप ये चार पांच सेट बनाना स्टार्ट कर दें। फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स क्या है, जो वर्ड्स आप पहले से जानते हो उसमें अगर प्रेपोजिशन को ऐड करके आप उसका अलग मीनिंग निकाल लेते हो, तो आपको ज्यादा वर्ड प्रिपेयर नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप सबको मालूम है कि पुट का मीनिंग क्या होता है, पर पुट इन, पुट आउट, पुट ऑफ, ये सबका मीनिंग अलग हो जाएगा। पुट ऑन पहनना, पुट ऑफ निकालना, पुट आउट आग बुझाना, आग बुझाना एक्सटिंग्विश, उसको पुट आउट बोलते हैं। वैसे ही पुट अप यानी कुछ भी एस्टेब्लिश करना, तो वही रहेगा यहां पर भी, सेटअप, सेटअप यानी कुछ एस्टेब्लिश करना। वहां पे अगर आप बोलोगे सेट इन, तो जैसे सीजन्स, विंटर सेट इन, यानी कोई भी सीजन अगर शुरू होती है तो ऋतुओं का बैठना, उसको भी सेट इन बोल सकते हैं। सेट अप, सेट इन, सेट आउट, सेट आउट यानी कहीं पे जाने के लिए निकलना, कोई ट्रैवलिंग, कोई जर्नी स्टार्ट करना। लुक है, गिव है, ब्रेक, लुक इन, लुक अप, लुक इनटू, लुक आउट, लुक फॉरवर्ड। जानिए ये शब्द क्या है, और सिर्फ आपको लुक याद रखना है, उसके बाद लुक इनटू, लुक इनटू मींस टू चेक समथिंग, इन्वेस्टिगेट, आई विल लुक इनटू द मैटर, लुक फॉरवर्ड यानी वेट फॉर समबडी, गिव, गिव यानी कोई भी चीज देना, तो उसके बाद है गिव इन, गिव वे, गिव अप। गिव इन यानी सबमिट, यानी किसी सिचुएशन या फिर किसी आदमी के सामने आपको सबमिट करना पड़े तो उसको बोलेंगे गिव इन। गिव वे, गिव वे मींस फिलहाल कुछ छोड़ देना, जो आप काम कर रहे हो तो प्लीज गिव वे, गिव वे मींस टेक ए ब्रेक। उसके बाद है गिव अप, गिव अप यानी कोई काम बीच में से छोड़ देना। केबीसी देखते वक्त आपने कई बार देखा होगा कि जो पार्टिसिपेंट रहता है वो बच्चन साहब को बोलता है कि आई क्विट, आई गिव अप, तो कोई भी चीज बीच में से छोड़ देना उसको गिव अप भी बोल सकते हैं, क्विट बोल सकते हैं। ब्रेक, ब्रेक का मीनिंग आपको मालूम है, ब्रेक यानी टूटना, पर ब्रेक इन, ब्रेक इनटू, ब्रेक अप, ब्रेक डाउन, ब्रेक आउट। ब्रेक इन यानी अगर आप किसी के कंप्यूटर में हैकिंग कर रहे हैं तो उसको ब्रेकिंग बोलते हैं, चोरी छुपे घुसना, उसको हम बोलेंगे ब्रेक इन। ब्रेक इनटू का भी वही मीनिंग होता है, पर ब्रेक इनटू वो सिस्टम में नहीं होगा, वो कंप्यूटर में नहीं होगा, वो सिर्फ घर के लिए यूज होगा। अ थीफ ब्रोक इनटू माय होम यस्टरडे। ब्रेकअप यानी जो रिलेशन अभी तक मेंटेन था उसको छोड़ देना, उसको बोलेंगे ब्रेकअप। उसके बाद है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन यानी मैकेनिकल थिंग्स जो भी रहती है अगर वो बिगड़ जाती है तो उसको ब्रेकडाउन बोलते हैं, यानी अगर आपकी गाड़ी बिगड़ गई है
अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी बिगड़ गई तो यू कैन से दैट माई कार ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन यानी यहाँ पे टूटना नहीं होता, बिगड़ जाना होता है। उसके बाद है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट यानी फैल जाना, स्प्रेड हो जाना। अभी कोरोना COVID-19 फैला हुआ है तो कोरोना ब्रोक आउट सडनली, कोरोना ब्रोक आउट सडनली। ये था फ्रेजल वर्ब्स। उसके बाद आता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स। ये जो पहले हमने न्यू वर्ड्स के बारे में देखा कि लेक्सिकल सेट्स प्रिपेयर करें, उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स, अब है सिनोनिम्स एंटोनिम्स। यानी जो भी वर्ड्स आपको जरूरी है उसके ज्यादा से ज्यादा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आप अच्छे से बोल पाओगे, एक ही वर्ड बार बार नहीं आएगा। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स यानी अगर आपको बोलना है कि दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, तो ब्यूटीफुल की जगह पे आप क्या बोल सकते हो, इट्स अ लवली पिक्चर, इट्स रियली वेरी आर्टिस्टिक, इट इज अ कलरफुल पिक्चर। आपको बोलना है कि वो मूवी बिल्कुल बकवास थी, ठीक है। अभी बकवास का आपको इंग्लिश याद नहीं आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, दैट मूवी वॉज नॉट फाइन, दैट मूवी वॉज नॉट अप टू मार्क, वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो आप जितने भी synonyms, antonyms प्रिपेयर करेंगे उतना आप जो आप एग्जैक्ट बोलना चाहते हैं वो बोल पाओगे, जो आप एग्जैक्ट बोलना चाहते हो वो बोल पाओगे। और आखिर में आता है idioms, proverbs और quotes। यानी अगर आपको कोई भी चीज के बारे में बोलना है तो उस हिसाब से या उस प्रोफेशन के बारे में या फिर उस चीज के बारे में कम से कम 25-50 quotations आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए। idioms, फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो कि आई लाइक रीडिंग, तो रीडिंग के अलावा आप रीडिंग के ऊपर जितने भी प्रोवर्ब्स या फिर सेइंग्स, जिनको हम मैक्सिम्स भी बोलते हैं, एपिग्राम भी बोलते हैं, एपिग्राम, मैक्सिम्स, सेइंग्स, कोटेशंस, प्रोवर्ब्स, इडियम्स, जो भी है, आपको रीडिंग पसंद है तो रीडिंग के ऊपर आपको कम से कम पांच सात प्रोवर्ब्स मुंह जुबानी याद होने चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जब भी कोई बात चल रही है तो आप वो कोट करोगे और उसके बाद अपना पॉइंट रखोगे। तो जब आपको इंग्लिश बोलना है तो वोकैबुलरी तो डेफिनेटली बढ़ानी है, बट वोकैबुलरी कैसे बढ़ाएंगे, न्यू वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और उसके बाद आता है इडियम्स, प्रोवर्ब्स और कोट्स। शुरुआत यहां से करें, ये दो चीजें आपको खुद करनी है, ये आपको रेडीमेड मिलता है, पर ये चीजें आपको करनी होगी। ये सब चीजें भी आपको मिलेंगी पर वो आपके हिसाब से नहीं होगी, ये आपको अपने हिसाब से इंग्लिश अपनी मॉडिफाई करनी होगी। तो न्यू वर्ड्स और फ्रेजल वर्ब्स आप अपने हिसाब से खोजें, ये दोनों चीजें आपको इंटरनेट पे गूगल पे मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा अपनी वोकैबुलरी प्रिपेयर्ड रखें, लिख के प्रैक्टिस करें। अगर आपने 2-4 घंटे इसमें बिता दिए तो आपकी वोकैबुलरी बहुत ही अच्छी हो जानी है। और फिर क्या करना है, ये जो 5-7 पेजेस आपने लिखे हुए हैं उसको बार बार पढ़ते रहना है, यानी दिन में 2 बार हर रोज पढ़ो, यानी 3-4-5 पेजेस हैं अगर, और उनको आप रोज पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता 5-7 मिनट से ज्यादा का टाइम लगेगा। पर इसको आप 10-15 दिन तक रोज पढ़ोगे तो फिर वो वोकैबुलरी आपकी ऑलरेडी इंप्रूव हो चुकी होगी। तो यही एक तरीका है वोकैबुलरी को कैसे इंप्रूव करेंगे। दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।